अरे उसमें बहुत सारे सेज दिए हैं यार, किसी भी बना के दे दो, जरूरी है। आपको बुला रहे हैं? मैं ये नहीं, ये पीएचडी है, एक मिनट के लिए आके आ रहे सर, एक मिनट आप वही आ जाओ ना, आ रहे ना, बातचीत कर रहे हैं। कोई नहीं, गर्मी होगी, गर्मी तो होगी, दिखा दूंगा उसको, आप आगे ना आ जाओ। क्या जी? क्या जी करे आप? अरे आकाश मैन्युफैक्चर ने दिया ही नहीं अभी सर, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड सर ये हैं, एक एक पाइपिंग जा रही है सर, इनको कैसे वो चेकआउट करना पड़ता होगा सर, बहुत सारी सर, क्योंकि कोई क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं, कोई रिलीफ वेल्व है, कोई कई सारी मतलब फ्यूल सिस्टम की वो है सर, पाइपलाइन जो थोड़ा बहुत पता है बता दीजिए सर, थोड़ा बहुत उसमें है ना, ये सब हार्डली सिस्टम होता है, पाइपलाइन यहाँ से लेकर के ना ब्लैक वाले हो जाए, उसके बाद ये टेफ्लॉन वाले होते हैं, ये है हार्डली पाइपलाइन, ये हार्डली पंप है, पंप ये ड्रिवन बाय मेन गियर पंप, तो ये पंप है, यहाँ से टैंक से सक्शन लाइन है, यहाँ से सक करता है, यहाँ से प्रेशराइज करता है, प्रेशराइज करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, वो इससे वापस और सर सर ये रिटर्न लाइन है ना, इसमें और वही हो जाती है, ये वापस आती है रिटर्न लाइन, सर्वो से रिटर्न लाइन आती है, रिटर्न लाइन इसमें से सर्वो मोटर क्यों यूज करते हैं सर? सर्वो मोटर यही टू असिस्ट पायलट, असिस्ट पायलट, अदरवाइज तेरा क्या रह गया? बस सीएचडी देख टाइट कर देता हूं। अच्छा है सर, इसमें गियर बॉक्स किधर होगा सर? ये ये गियर बॉक्स है, और सर एक गियर हब वहाँ रखा हुआ है सर, तो इसमें कहाँ है गियर हब? गियर हब भी होता है कुछ? गियर हब, गियर हब किसने बताया आपको? सर वो सर बोल रहे थे गियर हब, कौन सा वहाँ जो रखा हुआ है एमआई का गियर हब है, क्या है सर वो? एमआई का अलग है, इसका अलग है, इसमें भी गियर हब होता है क्या सर? एमआई में गियर हब नहीं होता, गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स होता है, रोटर हब होगा, रोटर हब होगा, रोटर ब्लेड हब होगा। ये क्या है सर? ये गरम है सर, ये इंजन टू एमजीबी ड्राइव, इसे इसको फ्री व्हील यू भी बोल सकते हो आप, एमजीबी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें से इंजन से ड्राइव आ रही है, मेन गियर बॉक्स में आ रही है, प्लस ये पंप को ड्राइव मिल रहा है, इंजन बंद हो जाता है तो
ना इंजन को डिस्कनेक्ट कर देगा सर। क्लच इंजन घूमता रहेगा, क्लच टाइप का है वो, एक साइड में घूमता है, साइड में घूमते होते हैं, इंजन पावर देता रहेगा ठीक है, बाकी वापस पेडल मारना बंद कर दोगे तो पेडल फ्री हो जाते हैं, ऐसे ही इंजन बंद हो जाता है, इंजन अलग हो जाता है, मेन रोटर घूमता है। एक इंजन फेल होगा फिर भी उड़ेगा सर? दोनों ही फेल हो जाएंगे तब भी आराम से लैंड कर सकते। ऑटो रोटेशन कब होता है सर? दोनों इंजन फेल नहीं, फिर तो सर पावर ही नहीं रहेगा, फिर तो बस नीचे आएगा, पर डेसेंट कर सकता है बस, है ना? डेसेंट ही ऊपर नहीं जाएगा, डेसेंट ही कर सकता है बस। सर ये क्या चीज है फिर इतना बड़ा जो है सर, ये वाला? हाँ नहीं, इससे आगे वाला ये हाँ फैन है, कूलिंग फैन? नहीं फैन नहीं, ये ब्लू कलर का ये ना? हाँ हाँ ये फैन, ऑयल कूलर का कवर है। अच्छा, ऑयल कूलर का पीछे फैन है। अच्छा सर, आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास इसका लाइसेंस है? नहीं है, कोई भी कोई लाइसेंस नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस वाला है ना सर? अच्छा, तो इसका मतलब सर कोई अगर एरोनॉटिकल से हो और लाइसेंस ना हो, एरोनॉटिकल इंजीनियर एज ए टेक्नीशियन काम कर सकता है? तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा वही है सर, वही काम कर रहे हैं। तो सर हम लोगों को फिर लाइसेंस जरूरत नहीं है फिर? लाइसेंस नहीं, लोगों की जिंदगी बेकार है तुम्हारी। आपके टाइम पे ऐसा नहीं था? हमारे टाइम में तो एक टेक्नीशियन मिल गया तो अभी भगवान मिल गया। फिर तो सर बहुत बड़ी बात थी आपके टाइम पे, तो हमारे टाइम में तो 18-18 मॉड्यूल सिस्टम हो गया। यार हम इंटरव्यू देने गए थे ना, दो वैकेंसी थी, अकेला कैंडिडेट था, बोलता कब ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरव्यू हो गया। अच्छा इंटरव्यू हो गया, बोलता कब ज्वाइन करना चाहते हो? अब तो सर 18 पेपर देने पड़ेंगे डीजीसीए के। हमसे पूछा गया था कब ज्वाइन करना चाहते हो? आपने सर बीटेक की है सर? बीटेक की है सर? प्लस टू के बाद? ये नहीं, एक सर्विस मैन है। अच्छा एक सर्विस मैन, आर्मी से सर? एयरमैन से सर। आप पायलट टेस्ट कर सकते हैं?